अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो उसमें नाम एक जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस जो होता है वो पैरामीटर्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखते हैं सम। तो फॉर एग्जाम्पल, ये दो इंट नंबर्स को ऐड करता है, ठीक है? इसी तरह हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसका नाम भी सम ही है, लेकिन ये कौन से पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है? ये फ्लोट पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये नाम एक जैसे हैं इनके, लेकिन इनके पैरामीटर्स का डिफरेंस है, तो इनको हम बोलेंगे ओवरलोडेड फंक्शंस। या इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका नेम सेम होता है इसको। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एवरीथिंग इन कमेंट्स, नेम मस्ट बी द सेम। इसमें नेम एक जैसा होता है, और एक नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने दो फंक्शंस ही ओवरलोड करने हैं, दो से ज्यादा भी ओवरलोड किए जा सकते हैं, ठीक है? लाइक दिस। और इसमें ये भी नहीं होता कि आपने, मतलब मैं तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ना, यहाँ पे ये भी दो इंट हैं, ये दो फ्लोट हैं और ये दो डबल हैं, तो ये नहीं होता कि सारे पैरामीटर्स एक ही टाइप के होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक और फंक्शन है, उसका नाम क्या है? डिस्प्ले। अब ये विदाउट पैरामीटर्स एक फंक्शन है, ठीक है? विदाउट पैरामीटर्स। हम इसी नाम का एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और उसको हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंट पैरामीटर रिसीव करता है, ठीक है? इसी तरह हम एक और फंक्शन बनाते हैं इसी नाम का, हम कहते हैं जी ये दो पैरामीटर्स रिसीव करता है, इंच और चार, ठीक है? तो इस तरह से हमने डिस्प्ले नाम के तीन ओवरलोडेड फंक्शंस क्रिएट कर लिए, ठीक है? और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन, उसका नाम क्या है? एबीसी। इसके दो पैरामीटर्स हैं, पहले पैरामीटर है वो इंट है, दूसरा फ्लोट है। इसी नाम का हमने एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया, पहले का फ्लोट हो गया, दूसरा इंट हो गया। तो यहाँ पे तादाद भी एक जैसी है और टाइप्स भी एक जैसी हैं, लेकिन सीक्वेंस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? तो ये हम देखेंगे कि पहली चीज तो होती है कि नेम इनका एक जैसा होना चाहिए, लेकिन पैरामीटर्स में डिफरेंस होगा, डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। अगर पैरामीटर्स भी एक जैसे हो गए तो फिर वो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी, फिर वो आइडेंटिकल दो फंक्शन क्रिएट हो जाएंगे। तो डिफरेंट पैरामीटर्स में तीन चीजें होती हैं, या तो डिफरेंस होगा आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स में, डिफरेंस इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी एक फंक्शन के पैरामीटर्स जो हैं वो दो हैं, दूसरे के तीन हैं, लेकिन नाम एक जैसा है, तो वो डेफिनेटली फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। या अगर फर्ज करें पैरामीटर्स की तादाद एक जैसी है, लेकिन उनकी टाइप्स डिफरेंट होंगी, ठीक है? डेटा टाइप्स डिफर करेंगी, सही है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स दो ही हैं, यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, लेकिन टाइप्स का फर्क है। यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स ही डिफरेंट है, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे एक पैरामीटर है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं। और तीसरी एक और टाइप हो सकती है जी, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स इज डिफरेंट, ठीक है? यानी यहाँ पे आप देख लें, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी दो दो हैं और टाइप्स भी एक जैसे ही हैं, लेकिन सीक्वेंस का फर्क है। तो इंट, यहाँ पे इंट पहले आ रहा है, यहाँ पे इंट बाद में आ रहा है, ठीक है? तो ये डिफरेंस है। लेकिन अगर हम लिखते हैं लाइक ऐसे, ए बी सी इंट और इंट, और हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, वो भी ऐसे ही बनाया हमने, तो ये ओवरलोडिंग नहीं है, ये आइडेंटिकल फंक्शन है, और इस पे कंपाइलर आपको एरर देगा, ठीक है? तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन ओवरलोडिंग का। अब इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि
आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ, डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ सेम नेम का फंक्शन बना के जब आप उसको एंड यूजर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने में आसानी होती है। यानी अगर हमने फर्ज करें सम हमने करना है, अब जहां पे इस जगह पे जो यूजर, यहाँ पर खैर यूजर तो नहीं होगा, प्रोग्रामर होगा, जो प्रोग्रामर यहाँ पे इस सम के फंक्शन को यूज कर रहा है उसके लिए कन्वीनियंस है कि वो चाहे तो इंट पास कर दे, चाहे तो फ्लोट वैल्यूज पास कर दे, या चाहे तो डबल वैल्यूज पास कर दे, ठीक है, इस तरह से। तो उसको इस चीज से कंसर्न नहीं है कि बिहाइंड द सीन ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ है वो 3 दफा ओवरलोड हुआ है। इस चीज से फ्रंट एंड वाले प्रोग्रामर को कंसर्न नहीं है, बैक एंड वाले प्रोग्रामर की मेहनत को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट वन नेम यूज करके। उसको इंट्स को ऐड करने के लिए अलग नाम रखने की जरूरत नहीं है, फ्लोट्स को ऐड करने के लिए अलग नाम रखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह डबल को ऐड करने के लिए अलग नाम रखने की जरूरत नहीं है। एक ही नाम होगा, वो डिफरेंट उसकी वेरिएशंस हैं, डिफरेंट उसके वर्जन हैं, और उसके ऊपर वो फ्रंट एंड पे उसको यूज करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो ये इसके फायदे हो गए। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम डिस्प्ले वाला फंक्शन बना लेते हैं। एक डिस्प्ले हम बना लेते हैं विदाउट पैरामीटर्स, एक हम बना लेते हैं एक इंट पैरामीटर के साथ, और एक हम बना लेते हैं, दो पैरामीटर्स होंगे एक इंट और एक चार, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन जो होती है ना वो लाजमी नहीं होती, मेन फंक्शन के बाद ही आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे वॉइड नहीं लगाया हमने, यहाँ पे वॉइड लगाया, वैसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना था। हम यहाँ पे सिंपल एक काम कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल लेते हैं और लूप लगा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, और इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसको, हम जस्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं स्टार स्टार। हम इस फंक्शन को डिफाइन किया, हमने इसको बिल्ड करके देख रहे, कोई मसला तो नहीं है, सो देयर इज, आप देख रहे हैं नो नो एरर्स, ठीक है। ये जो फंक्शन डेफिनेशन है ना, ये जरूरी नहीं होता कि आप मेन फंक्शन के बाद ही लिखनी है, ये फंक्शन डेफिनेशन पहले भी आ सकती है यहाँ पे। तो आप बिल्ड करके देख लें इसको, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉर्मली इनको हम बाद भी करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी मेन फंक्शन ही होता है। अब डिस्प्ले फंक्शन की जो हमने एक डेफिनेशन ये बनाई है, ये वाली, ये इस डिक्लेरेशन के लिए बनाई है। अब हम इस डिक्लेरेशन के लिए जिसका एक सिंगल पैरामीटर है इंट टाइप का, उसके लिए भी हम फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, तो हम इसकी जो सेकंड डिक्लेरेशन है इसका हम बनाते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे पैरामीटर डालते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हम रख लेते हैं एक्स, और इसमें करना कुछ भी नहीं है, जस्ट ये 10 है ना, इसे आप एक्स कर देंगे, ठीक है। और एक जो थर्ड वेरिएशन है ये 2 पैरामीटर्स वाली, इसकी भी हम डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे हम 2 पैरामीटर्स के साथ सेकंड पैरामीटर सी, और यहाँ पे हम जस्ट उस करेक्टर को प्रिंट कर देते हैं। तो हम ये 3 वेरिएशंस क्रिएट कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रंट एंड पे जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें ये देखें इस तरह से हम डिस्प्ले का नाम लिखते हैं। तो अब ये देखें, ये 1/3 लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये होता है 1/3 का मतलब ये है कि इस नाम के 3 ओवरलोडेड फंक्शन हैं, इसकी 3 वेरिएशंस हैं इसकी। तो आप यहां से इसको ये देखें चेक कर सकते हैं, ये एक 1 पैरामीटर के साथ है, ये 2 पैरामीटर्स के साथ ये वाला था, और ये विदाउट एनी पैरामीटर है। तो आप इन 3ों वेरिएशन में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कॉल करता हूँ, और इन 3ों वेरिएशंस के आखिर में एक लाइन लगा देते हैं हम, ठीक है। तो चले, अब हम इसको करते हैं रन, तो ये 10 स्टार्स प्रिंट हो गए, ठीक है। ये वाली हमारी फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी, इसको दोबारा एक दफा रन करके देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम इसका फॉन्ट साइज जरा ज्यादा कर देते हैं, 28। तो ये आ गया हमारे पास आउटपुट 10 स्टार्स।
तो इसको हम मजीद आगे चलते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। हम सेकंड ये वाली जो वेरिएशन है इसको हम कॉल करेंगे। आप हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसको हम डिसेबल कर देते हैं ताकि हमारा आउटपुट सही आए, क्लीन आए, ये 3 स्टार्स प्रिंट हो गए, ठीक है। इसी तरह हम इसको भी डिसेबल कर देते हैं। अब हम ये जो थर्ड वाली वेरिएशन है इसको हम कॉल करेंगे, इसको हम फंक्शन का नाम भी देंगे और ये भी बताएंगे कि मतलब कितनी दफा स्टार प्रिंट होना है, और ये भी बताएंगे कि करेक्टर कौन सा प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एट द रेट ऑफ, इसको प्रिंट करो, ठीक है। इसको अब हम रन करते हैं तो ये देखें 4 तो ये वाली सिंबल प्रिंट हो गई, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक जो है हमारा आज का वो है रिकर्जन। तो पहले हम इसको एक दफा फाइल को सेव एज कर लेते हैं, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और ये सारे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको हम खत्म कर देते हैं। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज रिकर्जन अबाउट। रिकर्जन इज अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, ठीक है, या ऐसे फंक्शन को हम कह सकते हैं सच अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज अ रिकर्सिव फंक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया void, फिलहाल हम इसकी डिक्लेरेशन नहीं कर रहे, जस्ट फॉर कंसेप्ट के तौर पे। अब यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट्स इसकी लिखी, कोई भी स्टेटमेंट्स हमने लिखी इसकी, ठीक है, और दरमियान में कहीं जाके हमने इस फंक्शन ने अपने आप को ही कॉल कर लिया इस तरीके से, तो दिस विल बिकम रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। तो अब अगर रिकर्सिव फंक्शन को हम क्लेवरली यूज ना करें, स्मार्टली यूज ना करें, तो ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस में चेंज हो सकता है, बिकॉज एक फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया, उसकी सेकेंड कॉपी मेमोरी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर अपने आप कॉल करेगी। अब सेकेंड कॉपी जब थर्ड कॉपी को कॉल करेगी तो थर्ड कॉपी स्टार्ट हो जाएगी, फिर थर्ड कॉपी फोर्थ को स्टार्ट करेगी, भी फिफ्थ को स्टार्ट करेगी, कॉल ये इस तरह से चलती जाएगी और ये प्रोसेस कहीं पर रुकेगा नहीं, ये इनफाइनेटली प्रोसेस रन होता जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। रिकर्जन हमारे लिए यूजफुल है, हम इसको क्लेवरली स्मार्टली यूज करेंगे अपने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम इसको इस तरह से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब हमें कोई इसके ऊपर स्टॉप लगाना पड़ता है कि जहां पे इसको जाकर हमने प्रोसेस को रोकना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है इसकी, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आप जानते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल से क्या मुराद है कि आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करें उसके नीचे जितने भी नंबर्स हैं अप टू 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम एक्चुअली ये फंक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं फैक्टोरियल का, ना लूप के जरिए हम ये काम कर चुके हैं, तो लेकिन यहाँ पे हम लूप के बगैर रिकर्जन के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखें इसको हम समझते हैं कि अगर आप 5 का फैक्टोरियल लेना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि 5 को मल्टीप्लाई करो 4 के फैक्टोरियल के साथ। मैथ वाले स्टूडेंट्स ये लोग जानते होंगे आप लोग कि मैथमेटिक्स के अंदर हम ये फ्रीक्वेंटली हम इस तरह के से एक्सप्रेशंस को ब्रेक करते हैं कि बजाय 5 का फैक्टोरियल डायरेक्टली फाइंड आउट करने के, हम कहते हैं भाई पहले 4 का फैक्टोरियल फाउंड कर लो, जो उसका आंसर है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे जो है ना वो इसका रिजल्ट निकल आएगा। अब जब हम 4 का फैक्टोरियल फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं यार, तो 4 का फैक्टोरियल फाइंड करने से पहले 3 का फैक्टोरियल फाइंड करो,
और जो 3 का आंसर आए, 3 फैक्टोरियल का, उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, हमारा 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसी तरीके से 3 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई पहले 2 का फैक्टोरियल फाइंड कर लें जो आंसर आता है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। सेम इज द केस विथ 2 फैक्टोरियल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 फैक्टोरियल के साथ। तो ये प्रोसेस यूं चलता जाएगा। तो इस प्रोसेस को हमने किसी जगह पे रोकना होता है, वरना ये इनफाइनिटली प्रोसेस रन होता रहता है, जो कि अल्टीमेटली आपके प्रोग्राम्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अब इस फैक्टोरियल वाले एग्जाम्पल में आप जानते हैं कि 1 का फैक्टोरियल हमें पता है, 1 का फैक्टोरियल होता है 1। तो हमने इसको 1 पे जाके हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की जगह पे 1 पुट कर देंगे, इसके नतीजे में यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। 2 आंसर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा जिसने इसको कॉल किया था। फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, और फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है फैक्टोरियल निकालने का, जिसमें हमने रिकर्जन को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया। रिकर्जन बेसिकली यूज होती है डिवाइड एंड कंकर वाली सिचुएशंस में, यानी उसमें क्या होता है कि हम एक बड़े प्रॉब्लम को उससे छोटे प्रॉब्लम्स में, सिमिलर प्रॉब्लम्स में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को अलग अलग सॉल्व करके हम हर छोटे प्रॉब्लम का आंसर निकालते हैं, और फिर उन प्रॉब्लम्स के जो आंसर्स होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास बड़े प्रॉब्लम का आंसर आ जाता है। तो रिकर्जन इज फ्रीक्वेंटली यूज, इनफैक्ट इट इज डेवलप फॉर टू सॉल्व डिवाइड एंड कंकर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब हम इसका बनाते हैं एक फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं। हम एक यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं आप, और उसके बाद इसका एक पैरामीटर होगा जिस नंबर को वो रिसीव करके और उसका वो निकालेगा आंसर, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इंट फैक्ट, आगे हम इंट लिख के स्पेस लिख के हम उसका पैरामीटर का नाम। अब हम यहाँ पे देखें, इसी लॉजिक को फॉलो करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लॉजिक डेवलप किया है कि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल निकालने से पहले 4 का फैक्टोरियल निकालो, और जो आंसर आए उसको आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सेम इज द केस, जब 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो पहले 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर आप एक्स का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दो आप एक्स माइनस 1 के फैक्टोरियल से, ठीक है। 5 का निकालना है तो 5 को मल्टीप्लाई करो 4 के फैक्टोरियल से, 4 का निकालना है तो 4 को मल्टीप्लाई करो 3 के फैक्टोरियल से। सेम इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम यहाँ पे ये चीज लिख देते हैं कि अगर एक्स का निकालना है तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस 1 के फैक्टोरियल से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली रिकर्सिव कॉल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन फैक्ट के नाम से बनाया और उसके अंदर ये फैक्ट को ही कॉल कर रहा है। तो ये बिहाइंड द सीन्स एग्जीक्यूट कैसे होगा, फिलहाल उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप देखें कि इसका जो भी आंसर आएगा वो हमें आंसर एक्स का आंसर निकाल के देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि अगर हम इसको रिपीटेडली इसको ये रन अपने आप को कॉल करता जाएगा तो ये रुकेगा नहीं, ये इनफाइनिटली अपने आप को कॉल करता रहेगा। ये एक्स जो है, अगर सपोज 5 था, उसके बाद ये 4 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, सो ऑन, ये माइनस तक चला जाएगा और इनफाइनली ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये चीज हम नहीं चाहते, हमने इसको एक जगह पे जाके रोकना है। तो 1 पे हमने इसको रोका था ना जाके, 1 पे जाके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ एक्स इक्वल्स टू 1, ये बेसिकली क्या है, ये इसका स्टॉप स्टॉप कंडीशन है ये इसकी, या इसको हम बेस केस भी कहते हैं इसको, ठीक है। कि जहां पे आपने रोकना है रिकर्जन को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो फिर इसको रिटर्न कर दो 1, बिकॉज अगर 1 का फैक्टोरियल आपको 1 ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे
फिलहाल हम इसे सिंपल रख रहे हैं फैक्टोरियल की डेफिनेशन को, अदरवाइज इसमें थोड़ा सी चेंजेस भी आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल उसे सिंपल रख रहे हैं फॉर लर्निंग पर्पस। अदरवाइज अगर एक्स की वैल्यू वन नहीं है तो फिर हम कहते हैं ये वाली चीज रिटर्न करो, ठीक है, यानी एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस वन से और जो आंसर आया उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। हमने सिंपल सी लॉजिक इसकी डिफाइन की है। अब हम इसको करते हैं कॉल, हम एक नंबर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू क्या है 5, और इसको हम कॉल कर लेते हैं फैक्ट ऑफ 5 और इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास 120 इसका आंसर आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो अगर हम इसको 4 के लिए कॉल करें तो ये देखें 24 आ गया। तो ये तो है हम एक एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस की है। अब हम ये देखते हैं कि बिहाइंड द सीन ये हमारा फंक्शन चलेगा कैसे, रिकर्सिव फंक्शन एक्चुअली चलता कैसे। मेमोरी के अंदर हम फर्ज करें ये हमारा मेन फंक्शन चल रहा है, ठीक है। मेन फंक्शन ने क्या किया, उसने कहा जी फैक्ट ऑफ 4 कि भाई 4 का फैक्टोरियल निकाल के दो। अब फैक्ट फंक्शन की कॉपी चलेगी और उसको पैरामीटर मिलेगा 4। फैक्ट फंक्शन ने क्या कहा, फैक्ट फंक्शन ने कहा कि भाई देखें अगर x की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 है, अदरवाइज x को मल्टीप्लाई करो फैक्ट ऑफ 3 के साथ। यानी वो कह रहा है पहले 3 का फैक्टोरियल निकालो। अब क्या होगा कि वो हम इस स्टेटमेंट को यहां पर लिखते हैं रिटर्न करो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बल्कि ऐसा नहीं, हाँ इसको हम ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ 3। अब क्या होगा कि कंपाइलर ये देखेगा कि ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, तो वो इस कॉल को यहाँ पे इस फंक्शन को इसकी जो एग्जीक्यूशन है इसको यहाँ पे रोक देगा, कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, बिकॉज कंप्लीट करने के लिए इसको पहले इसका आंसर चाहिए। तो वो इस फंक्शन को यहाँ पे रोकेगा और इस फंक्शन की एक और कॉपी मेमोरी के अंदर लेके आएगा, एक और कॉपी चलेगी और उसके लिए वो पैरामीटर देगा 3, एक्स की वैल्यू ऊपर से देगा 3, बिकॉज इसने कॉल किया अपने आप को। तो जब फंक्शन दोबारा, अब ये फंक्शन यहाँ पे रुका हुआ है, मेन फंक्शन भी यहाँ पे रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, ये दोनों वेट कर रहे हैं, फैक्ट ऑफ 3 चलेगा। फैक्ट ऑफ 3 के लिए एक्स की वैल्यू क्या आई 3, तो ये देखेगा भाई एक्स की वैल्यू 1 तो नहीं है, नहीं 1 नहीं है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलाओ। अब ये वाली स्टेटमेंट मजाक है, खुद अपने आप को कॉल कर रही है, वो कह रही है पहले 2 का फैक्टोरियल निकालो। तो सेम वही प्रोसेस फिर चलेगा, रिटर्न इसने क्या करना है, रिटर्न करना है 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 2। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है, ये कंपाइलर है, वो इसको यहां पे रोक देगा। हमारी फंक्शन फैक्टोरियल का फंक्शन की सेकंड कॉपी चल रही थी वो भी रुक गई, उसको आंसर चाहिए इसका फैक्ट ऑफ 2 का, तो ये वाली कॉपी भी मेमोरी के अंदर रुक जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये अनदर कॉपी इसकी चलेगी फैक्ट ऑफ 2, फैक्ट ऑफ 2 जब चलेगा तो वो भी अपने आप को फिर कॉल करेगा, किसके लिए फैक्ट ऑफ 1 के लिए, ठीक है। अब फैक्ट ऑफ 2 भी यहाँ पे मेमोरी के अंदर सस्पेंड हो जाएगी, रुक जाएगी, वेट करेगी, और अब फाइनली फैक्ट की जो है ना वो अगली चौथी कॉल स्टार्ट होगी मेमोरी के अंदर। तो ये जब चलेगी उसको पता लगेगा ये एक्स की वैल्यू 1 है, यस, तो ये रिटर्न कर देगा 1, ये वाली रिकर्सिव कॉल अब नहीं होगी। यानी फाइनली जब फैक्ट की वैल्यू 1 होगी, फैक्ट जो है उसको पैरामीटर की वैल्यू 1 मिलेगी, तो रिकर्जन स्टॉप हो जाएगी, यहां से रिटर्न हो जाएगा, वो ये आपका आंसर रिटर्न करेगा 1, जब फैक्ट को 1 मिलेगा तो आंसर रिटर्न करेगा 1। तो इसका आंसर यहां से रिटर्न होगा 1, ये अपने आप को कॉल नहीं करेगा। तो अब जैसे इसका आंसर निकलेगा तो कंपाइलर इसको मेमोरी से कर देगा खत्म और इसको चलाएगा दोबारा, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं ग्रे से, ये ज्यादा बेहतर है। अब ये दोबारा एक्टिव हो जाएगा क्योंकि लास्ट लास्ट कॉल ये हुई थी ना, तो कंपाइलर इसको दोबारा एक्टिव करेगा, वो कहेगा भाई फैक्ट ऑफ 1 का आंसर आ चुका है जो कि 1 था, ये लो अपना आंसर 1 और अब अपना आंसर निकालो। तो ये अपना आंसर निकालेगा, इसका आंसर निकलेगा 2। तो जब इसका आंसर निकलेगा तो कंपाइलर इसको भी मेमोरी से वॉश कर देगा और इसको चलाएगा, दोबारा इसको एक्टिव करेगा
और इसको बोला गया फैक्ट ऑफ टू का आंसर आ चुका है, दैट इज टू। तो जब इसका आंसर निकल आएगा तो मेमोरी से ये भी कंपाइलर इसको वॉश कर देगा, आउट कर देगा। अगला जो हमारी ये वाली कॉपी दोबारा फिर एक्टिव हो जाएगी और इसको यहाँ पे आंसर मिलेगा 6। जैसे इसका आंसर निकलेगा कंपाइलर इसको भी मेमोरी से वॉश कर देगा और फाइनली हमारे पास मेन फंक्शन दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24। तो ये प्रोसीजर है रिकर्जन का। आपने देखा कि किस तरह एक फंक्शन ने दूसरे कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को, इनफैक्ट यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, मेन ने तो कॉल किया फैक्टोरियल को, लेकिन फैक्टोरियल ने 4 दफा अपने आप, 3 दफा अपने आप कॉल किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंपाइलर जो है वो फंक्शंस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर रहा होता है। आपने देखा कि एक वक्त में सिर्फ एक ही फंक्शन चलता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया और ये फाइनल आंसर जब आएगा तो कंपाइलर इसको यहाँ पे आपका आंसर जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है,